एक बात ध्यान से समझो, विलोपन अभिक्रिया से पहले ओपी के ऊपर अपन ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 Cl। दो रिएक्शन लिखूंगा मैं, एक तो एक्वस KOH और एक एल्कोहलिक KOH, और गर्म और कर दूंगा। तो एक तो एक्वस और एक एल्कोहलिक। अपन ऐसा सोचते हैं कि KCl बाहर हुए जुड़ जाएगा ना, एक्वस KCl बाहर क्या जुड़ जाएगा बताओ, CH3 CH2 OH। एल्कोहलिक KOH होगा तो पता क्या हुआ, Cl जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा, निकटवर्ती यहां से Cl जाएगा, यहां से H चल जाएगा, HCl बाहर क्या बनेगा बताओ, एल्कीन बन जाएगी। ऊपर वाली अभिक्रिया तो है SN और नीचे वाली है विलोपन। ऊपर वाली में प्रतिस्थापन ही तो हुआ है, Cl का प्रतिस्थापन OH- में कर दिया, Cl का प्रतिस्थापन नाभिकसनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो अगर एक्वस KOH लोगे तो नाभिकसनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ध्यान रखना। और अगर एल्कोहलिक KOH लोगे ना, विलोपन हो जाएगी, HCl बाहर। ठीक है, कॉपी के ऊपर उतार दे पहले ये, फिर अपने स्टार्ट करेंगे। कौन सी वाली, ऊपर वाली पढ़नी, नीचे वाली पढ़ेंगे, तो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन नीचे वाली पढ़ेंगे, ऊपर वाली अपन पढ़ ली। एक्वस KOH डालो, एल्कोहल बनेगा, तो ऊपर तो कौन सी हुई भाई, नाभिकसनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट बोलो SN, और नीचे संपन्न हुई एलिमिनेशन, ठीक है ना भाई, विलोपन या एलिमिनेशन। ये ऊपर वाली पढ़ ली अपन ने, ठीक है, ऊपर वाली पढ़ ली, पढ़ ली तो देखो एक बार, दस रिएक्शन होगी, हाँ भाई होगी ना दस, इससे बोलो, इससे ना मैं एल्कोहल बनेगा, शुष्क है, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल KO N double bond O, यहां से टूटेगा, O अटैक करेगा, यहां कौन अटैक करता है, AgNO2 में N अटैक करेगा, ठीक है, और एक K2S Ag2S Ag2S नहीं Ag2O, इससे तो ईथर, और इससे फाइव, K2S से फाइव बनेगा ध्यान रखना, और Ag2S से ईथर, सही है, ये रिएक्शन अपने हो गई, हो गए ना भाई। कौन सी अभिक्रियाओं के उदाहरण है ये, अब स्टार्ट करते हैं, कौन सी विलोपन भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टार्ट करता हूं, ध्यान दे भाई, CH3 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दूं, Cl जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा, निकटवर्ती बीटा, अल्फा से जाएगा हेलोजन, अल्फा से हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से और बीटा से क्या बाहर गया भाई,
एच एक्स बाहर गया ना, एच एक्स का निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन हेलोजन बाहर निकला है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, क्या कहेंगे आप इसे? वी का मतलब होता बाहर निकलना, क्या क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन और हेलोजन, इसलिए इसे आप कहेंगे वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, कोमा बीटा विलोपन, दूसरा नाम क्या है? बीटा विलोपन, तीसरा नाम वन टू विलोपन, वन टू क्यों कहा? वन और टू, तो बीटा विलोपन, वन टू विलोपन, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है, ये इनके नाम है। क्या क्या बोल देंगे इन्हें? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, बीटा विलोपन, वन टू विलोपन और एलिमिनेशन। Cl यहां से एच सी एल बार क्या बढ़ जाएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, सही है भाई? शर्त यह है कि प्रबल क्षार आप काम में लेंगे, प्रबल क्षार काम में लेंगे। जैसे पहला आपने कौन सा लिया बताओ? एल्कोहलिक KOH, दूसरा आप काम में ले लें ये वाला NaOC2H5, इसका नाम क्या है? सोडियम एथोक्साइड, क्या नाम है? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एथोक्साइड काम में ले लें, एल्कोहलिक KOH काम में ले लें, या सबसे अच्छा विलोपन कर्मक है ये ONA, क्या नाम होगा बताओ इसका? सोडियम, अरे Na तो हो गया सोडियम है ना, यहां दो कार्बन थे तो मैंने एथ लगाया था, यहां कितने कार्बन है? चार, तो क्या लगाऊंगा? ब्यूटोक्साइड लगाऊंगा ना, और ब्यूटोक्साइड भी कौन सा है? 1 degree, 2 degree, 3 degree, तो सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है कि नहीं? सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, इनमें से कोई सा भी एक क्षार आप डाल सकते हैं भाई, कोई सा एक क्षार डाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सोडियम एथोक्साइड है ना, इसको आप सोडियम एथिल अल्कोहल, यहां जैसे एल्कोहलिक KOH काम में लिया, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? KOH काम में लिया एक तो, और दूसरा कौन सा? एल्कोहल काम में लिया, ठीक है भाई। तो सोडियम एथोक्साइड है, एल्कोहलिक KOH है, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है, इनमें से कोई सा भी क्षार आप काम में ले सकते हैं भाई, इनमें से कोई सा क्षार आप काम में ले ले, ठीक है ना। वापस रिएक्शन स्टार्ट करवाए, देखो अगली रिएक्शन ये है CH3 CH2 Cl, ठीक है। आपने डाला क्या? सोडियम एथोक्साइड NaOET, बात वही है, एथिल ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में क्या करना है? गर्म करना है। Cl जिस कार्बन से जुड़ता है, अल्फा निकटवर्ती, बीटा, अल्फा और बीटा के बीच क्या लगा देंगे? डबल, अल्फा बीटा के बीच डबल लगा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बाहर, Cl अल्फा, इधर भी और इधर भी दो बीटा है, तो इधर भी डबल आ सकता है, इधर भी डबल आ सकता है, मान लो मैं इधर डबल लगाऊं, क्या बना बताओ? नाम बताओ इसका, आईपीसी वन प्रोपीन, वन प्रोपीन, और अगर मान लो सपोज इधर डबल लगा देता तो तब भी बनी बढ़ती,
एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना, वन प्रोपीन, वन प्रोपीन, ठीक है, टू प्रोपीन की कोई संभावना नहीं है। अगली बात यहां मैं अप्लाई करूंगा सेडजेफ नियम। सेडजेफ नियम क्या है उस बात को समझना भाई। ये है एग्जांपल अल्फा और ये बीटा, दो बीटा है, आप इसमें डालें एल्कोलिक और गरम कर दें HCl बाहर, इधर भी डबल आ सकता है, इधर डबल, यहां गया तो वन ब्यूटीन और यहां गया तो टू ब्यूटीन, बोलो सही नहीं, तो वन ब्यूटीन भी बन सकती है और टू ब्यूटीन भी बन सकती है। ये तो बनेगी टू ब्यूटीन और ये बनेगी टू ब्यूटीन, ये तो कौन सी बनी टू ब्यूटीन और ये ठीक है भाई, दो प्रोडक्ट बने कौन कौन से, वन और टू। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हुआ है, क्या हुआ बताओ, हाइड्रोहैलोजनीकरण हुआ है ना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा एक से अधिक एल्कीन बन गई, एक से अधिक एल्कीन। जब किसी आरएक्स के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा एक से अधिक एल्कीन बने तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी अधिक होंगे। इस नियमानुसार नियम क्या है भाई कि जब किसी आरएक्स के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हाइड्रोजन हेलोजन बाहर निकलेगा ना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा एक से अधिक एल्कीन बने तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, वह एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे। बात को समझो क्या है ये, वापस आ जाओ, दो प्रोडक्ट बन गए भाई, एक वन ब्यूटीन बन गया और एक आपको ध्यान देना है केवल डबल बॉन्ड पर, इस पर ध्यान देना है डबल बॉन्ड पर, इस कार्बन पर दो एच जोड़ दिए, प्रतिस्थापी वो होते हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ते हैं, तो बताओ इस कार्बन पर कितने प्रतिस्थापी हैं, कोई नहीं, कोई नहीं है, मैंने कहा प्रतिस्थापी वो होते हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ते हैं, कितने प्रतिस्थापी है, जीरो, कितने प्रतिस्थापी है, नहीं है ना, ये भी नहीं है, अब बताओ प्रतिस्थापी एक, अब दो, अब तीन और अब चार, तो सी डबल बॉन्ड सी पर इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूएंट गिनने हैं, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन पे बताओ एक है भाई, एक तो एच है और एक सी एस थ्री है ना, तो एच को तो गिनेंगे नहीं, सी एस थ्री को गिनेंगे, प्रतिस्थापी एक, इस पर एक, टोटल कितने हुए, प्रतिस्थापी बराबर दो, प्रतिस्थापी बराबर दो, इस पर बताओ, अरे दो एच है, दो एच है तो एक भी नहीं है भाई, इस पर बताओ एच कितना है, तो प्रतिस्थापी कितने हैं, एक प्रतिस्थापी ही रहा, अरे अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो दो वैलेंसी इसकी बच गई, एक वैलेंसी किसने पूरी कर दी, तो दूसरी प्रतिस्थापी हो गया कि नहीं,
दूसरा या फिर आप इस पर टोटल एच गिन लो, कितने हुए टोटल एच, टोटल एच कितने हुए, तीन हो गए ना, होने कितने चाहिए थे वैसे एच, चार होने चाहिए थे ना, हैं कितने, तीन, एक क्या है प्रतिस्थापी, ये ना, इस पर एच गिन लो, तो प्रतिस्थापी कितने, दो प्रतिस्थापी हो गए, इस पर बताओ एच कितने हो गए, तो प्रतिस्थापी बराबर, इस पर प्रतिस्थापी ज्यादा है, प्रतिस्थापी ज्यादा है तो क्या होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा और ये बनता है ध्यान रखना लगभग 80% और ये बनता है लगभग 20%। सेट जेफ क्या कहता है दोबारा बताओ, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसमें सी डबल बॉन्ड सी पर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे, सी डबल बॉन्ड सी पर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल अपन 1-2 विलोपन, विलोपन बीटा विलोपन वी हाइड्रोहैलोजनीकरण, हटाओ प्रबल क्षार या फिर लिखते हैं प्रयुक्त क्षार, प्रबल विलोपन कर्म के ध्यान रखना, ये इंग्लिश में तय थोड़ी आएगा, टी आएगा इसको, शायद जा रही हूँ आपने नहीं लिखा सेट जेफ, सेट जेफ बोल दे, सेट जेफ बोल दे,
हटाओ भाई, वह एल्किन मुख्य उत्पाद होगी जिसमें सी डबल बॉन्ड सी पर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे भाई, प्रतिस्थापी काउंट कर लोगे ना आराम से भाई। तीसरी रिएक्शन लिखें, थर्ड रिएक्शन लिखें, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। फर्स्ट लिखे बोट्स ऑफ क्रिया, फर्स्ट लिखे बोट्स। देखो भाई सुनो, तीन नेम रिएक्शन यहां मैं एक साथ याद करवाऊंगा, ध्यान देना। RX बोर्ड पे ध्यान दे रहे, RX 2NE फिर RX शुष्क ईथर, क्या बात चल रही है बताओ, 2NX बार RR बन जाएगा, 2NE सही है भाई, दो बार RX RX लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ऐसे लिख देना कि ये तो RX और तीर के ऊपर सोडियम और ड्राई ईथर, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना कौन सा RR, सही है भाई, और NEX के साथ चल जाएगा, क्या बना देना NEX, तो RX से RR बन जाएगा, RR एल्केनी तो है, RR एल्केनी। सपोज आपने CH3Cl लिया, क्या लिया सोडियम और ड्राई था, क्या बनेगा RR, एक CH3 है यार, कितने CH3 वाला बनेगा, दो वाला ना, R और R जुड़ जाएंगी, CH3 और CH3 जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 प्लस NaCl, टू नहीं लगा बस डायरेक्ट ऐसे लिखा, बाद में बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर देना, सही है, ठीक है भाई। दो एथिल क्लोराइड ले लो, दो सोडियम ड्राई ईथर, बोलो भाई दो कार्बन है, कितने वाला बनेगा, चार वाला बनेगा ना, टू एन ए सही है भाई, तो आर एक्स से आर आर, आर एक्स से आर आर, अगर मान लो दोनों आर एक्स डिफरेंट हो तो क्या होगा, एक तो आर एक्स हो और एक आर प्राइम एक्स हो, सोडियम और ड्राई ईथर डाला आपने एक बार, तो ये आर एक्स अपना प्रोडक्ट बनाएगा आर आर, एक बार ये R प्राइम X अपना प्रोडक्ट बनाएगा R प्राइम R प्राइम, और एक बार ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे R R प्राइम, तीन एल्केनों का मिश्रण बनेगा, क्या बना बताओ, तीन एल्केनों का मिश्रण बनेगा, देखो यानी दोनों आर एक्स अलग अलग ले लो रे, एक तो ले लो सी एच थ्री सी एल और एक ले लो सी एच थ्री सी एच टू सी एल, सोडियम और ड्राई ईथर, एक बार तो ये खुद प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनेगा बताओ, मतलब कितने कार्बन है इसमें, बोर्ड में ध्यान दे, एक कार्बन है, कितने वाला बनेगा, दो वाला,
इसमें कितने कार्बन है, कितने वाला बनेगा, इन दोनों से तीन वाला, सही है कि नहीं? इससे बोलो पहले दो वाला एथेन, इससे बोलो नॉर्मल ब्यूटेन, बोलो सही नहीं? और दोनों से तीन वाला प्रोपेन, बोलो बात सुनना ही नहीं भाई, ठीक है? एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान दें, सोडियम ड्राई था, सही है? बोलो सही है नहीं? ये टर्शियरी ब्यूटिल है, दो टर्शियरी ब्यूटिल आपस में जुड़ जाएंगे, आर एक्स से आर आर, दो टर्शियरी ब्यूटिल आपस में जुड़ जाएंगे, देख लो दो टर्शियरी ब्यूटिल आपस में जुड़ी हुई है, देख लो जाए इधर टर्शियरी ब्यूटिल इधर टर्शियरी ब्यूटिल, सही है ना? दो टर्शियरी ब्यूटिल आपस में जुड़ी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है? मान लो मैं आइसो लू ठीक है, और क्या डालूं, सोडियम और ट्राई का, तीन वाली है, तीन आई है, दो आइसो जुड़ जाएंगी, मतलब दो आइसो जुड़ जाएंगे, दो आइसो जुड़ेंगी तो ये तो बनेगा भाई, बोलो सही में, ठीक है ना? तो कई बार क्या था, ऐसे प्रश्न पूछे हुए थे ये वाले, बात समझ आएगी, बता पीछे आ जाना, बीच में तोड़ दो।